Complete Attu. It's all about learning. हेलो दोस्तों, मैं काशिफ आप सबका स्वागत करता हूँ कंप्लीट एजू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एसएससी जेई आरएसएमएसएसपी जेई यानी कि राजस्थान जेई, जिसकी अभी एग्ज़ाम होने वाला है 9 जनवरी 2021 को, आरआरबी जेई जो अगले साल हो सकता है और अभी हुआ है कुछ टाइम पहले ही, ठीक है। इन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टोटल आज यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं भाई, कौन कौन से क्वेश्चन है और डेफिनेटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं और लॉजिकल हैं भाई, यही क्वेश्चन वो है जो एग्ज़ाम में आते हैं। इस यहाँ पर मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने का मकसद सिर्फ एक ही है बच्चों, वो मकसद ये है कि आपको पता पड़े एक्चुअल में कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आप उनको सॉल्व करें जल्दी से जल्दी, ठीक है। क्योंकि एसएससी जेई के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा ना, 200 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे दिए जाते हैं आपको, यानी कि 120 मिनट हैं और आपको 200 क्वेश्चन करने। ओके, अब जिसमें 100 टेक्निकल होंगे, 100 नॉन टेक होंगे। जो 100 नॉन टेक क्वेश्चन होंगे उसमें से 50 जो क्वेश्चन होंगे आपके सिर्फ रीजनिंग के होंगे, मैथमेटिक्स नहीं आता है, एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं वो नहीं आता है। कभी कभार एसएससी जेई क्या करता है, मतलब एसएससी क्या करता है, एक आध क्वेश्चन मैथमेटिक्स का दे देता है, जैसे 2016 के सेट के अंदर हुआ था, 49 क्वेश्चन जो थे वो रीजनिंग के थे और एक क्वेश्चन जो था वो मैथमेटिक्स का था। बट वो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन था ना, वो एक्चुअली में कोर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं था, वो क्वेश्चन किसका था, रीजनिंग के साथ ही था वो क्वेश्चन भी, ठीक है। अगर मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगा कि भाई वो क्वेश्चन किस तरह का है। और बाकी के जो 50 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं जनरल साइंस के, जनरल स्टडीज़ के, मतलब कि आपकी ज़्यादातर तो पीसीबी जो होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बायो के पूछे जाते हैं, 9 से 10 क्वेश्चन। इसके अलावा करंट अफेयर पूछा जाएगा आपसे, हिस्ट्री पूछी जाएगी, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये नॉन टेक को इन्होंने कंबाइन किया 100 क्वेश्चन में, फिर 100 क्वेश्चन में इन्होंने कंबाइन कर दिया किसको, टेक्निकल सब्जेक्ट्स। टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको पता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर कोर की बात करूँ तो भाई 10 से 12 सब्जेक्ट हैं जिसके फिर अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे थ्योरी ऑफ मशीन की बात करूँ तो थ्योरी ऑफ मशीन भी 2 पार्ट्स में पढ़ा जाता है, एक को बोला जाता है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, एक को बोला जाता है डायनेमिक्स ऑफ मशीन, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूँ या थर्मल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ या अप्लाइड मैकेनिक्स की बात करता हूँ, तो भाई अगर मैंने एक अप्लाइड मैकेनिक्स नाम ले लिया तो फिर उसके अंदर फ्लूड आएगा, थर्मल इंजीनियरिंग आएगी, साथ में आईसी इंजन आएगा, पावर प्लांट आएगा, आरएसी आएगा, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट तो ये कवर करके बैठा। और अगर गेट की बात करें तो गेट ने इस बार गैस टरबाइन को भी जो है इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह के हमारे मान के चलो कम से कम 12 से 15 सब्जेक्ट बैठते। तो उन 12 से 15 सब्जेक्ट में से आपको एसएससी जो है वो 100 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। और 100 भाई 12 से 15 सब्जेक्ट है तो ये बात तय है, ये मान के चलो कि भैया आप हर सब्जेक्ट में से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसके अंदर आपको लगभग 20 से 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको एसएससी जेई का, आरआरबी जेई का और आरएसएमएसएसपी जेई का क्वेश्चन एनालिसिस देने वाला हूँ, बाकायदा मैं उस पर काम कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन एनालिसिस दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो भाई जैसे अभी मैं एसएससी जेई की बात कर रहा हूँ तो एसएससी जेई में एफएम से, तो एफएम फ्लूड मैकेनिक्स नाम का जो सब्जेक्ट है आप सब जानते होंगे, तो उससे 2015 2016 2017 2018 इन 4 सालों में, ठीक है, जो देखा गया है वो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हर साल हर सेट में पूछे जा रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एफएम से पूछे गए हैं वो 21 है और मैक्सिमम जो एफएम, जिसमें मैं हाइड्रोलिक मशीन्स को अलग कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, हाइड्रोलिक्स मशीन को मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो मिनिमम नंबर जो है वो 21 है और मैक्सिमम नंबर एफएम का 28 से 32 तक गया है, ठीक है। और अगर मैं एचएम को यानी कि हाइड्रोलिक्स मशीन को ऐड कर दूं तो ये जो डेटा है ये 36 टू 39 तक पहुंच जाता है। तो सोचिए 40% अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट ही कवर कर रहा है तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट वो सब्जेक्ट होगा। चलिए ये तो एसएससी जेई की बात होगी, इसके बाद मैं बात करूँ आरएसएमएसएसपी जेई की, यानी कि राजस्थान जेई जिसको हम बोल रहे हैं, जिसके अंदर वैकेंसी निकली है, जैसे आपकी जो WRD के अंदर निकली, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर निकली हुई है, PWD के अंदर निकली हुई है, सिविल की है, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की। तो उसमें मैकेनिकल का जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया, तो भाई इतना तो आप सबको पैटर्न के बारे में पता होगा कि RS MSSB JEE आपसे टोटल 120 क्वेश्चन पूछने वाला,
उस 120 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो होंगे वो नॉन टेक्निकल होंगे और 80 क्वेश्चन जो होंगे वो टेक्निकल होंगे। अब जो 40 क्वेश्चन है दोस्तों, वो 40 क्वेश्चन किस तरह के हैं भाई, वो आएंगे आपके राजस्थान जीके से। अब राजस्थान जीके के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे हिस्ट्री ही पूछी जाएगी, यहाँ पे राजस्थान आर्ट्स एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एवरीथिंग, जो ये चार पांच चीज़ें आपको बकायदा सिलेबस मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी मैं आपको डाउनलोड वहाँ पे भी आपके लिए अपलोड करवा दिया गया और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं बात करता हूँ चलो टेक्निकली, क्योंकि मैं आपको टेक्निकल पढ़ा रहा हूँ, तो आप देखोगे कि टेक्निकल के अंदर 80 में से 38 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछे गए। सोचिए, एक सब्जेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 50% जो है वो कवर कर रहा है। सोचिए आप जरा, कितना शानदार सब्जेक्ट। तो क्या एफएम को हल्के में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आधे सब्जेक्ट में से कुछ 10 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, जिसमें से मैकेनिक्स के 3-4 क्वेश्चन रख दिए हैं, ठीक है। आईसी इंजन का रख दिया एक आध क्वेश्चन, एक आध फ्लूड मैकेनिक्स का रख दिया है मैंने क्वेश्चन। तो इस तरह से 2-4 सब्जेक्ट को मिला के मैंने 10 क्वेश्चन का सेट आप लोगों के लिए बनाया है, और ये सेट जो है आगे जारी रहेंगे, ठीक है। अभी जैसे 10 करा रहे हैं, कभी 15 करवा देंगे, कभी किसी में 20 हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं हम सॉल्व करेंगे। तो आज जो यहाँ पे हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है एसएससी जेई का और आरआरबी जेई के मिक्स्ड क्वेश्चन है 2015 के, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, 2015 के पेपर के अंदर आपको मिल जाएंगे। आरएसएमएसएसबी जेई यानी राजस्थान जेई का जो 16 का है उसके क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हो गई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जब भी मेरा कोई भी वीडियो आता है या हमारा कोई भी वीडियो आता है तो आप नोटिफिकेशन मिस ना करें, आप एकदम अपडेट रहें। और इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बताइए कि भाई राजस्थान जेई मैकेनिकल के लिए यूट्यूब पर अभी कोई नहीं पढ़ा था। देखिए बताइए कि देखिए आप लोगों की डिमांड पे राजस्थान जेई लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। उसकी क्लासेस चल रही हैं, पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं ताकि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो जाए, उसके बाद थ्योरी की तो हम बात करेंगे ही करेंगे। वैसे भी आप लोगों को क्वेश्चन ज़्यादा पसंद होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आइए चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है द फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट आर स्टेशनरी इस कॉल्ड। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है एसएससी जेई 2015 का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है दोस्तों? एसएससी जेई का क्वेश्चन है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा भाई। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है भाई, हम लोगों की एक आदत होती है जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमारा फोकस क्वेश्चन से हट जाएगा, सवाल क्या है उससे हट जाएगा, हमारा जो फोकस जाएगा वो डायरेक्ट किस पे जाएगा? ऑप्शंस पे। क्या होना चाहिए भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक टर्म आपको दिख रही है जिस टर्म का नाम है स्टेशनरी। ये आपको दिख रहा है ना, स्टेशनरी टर्म जो दिख रही है, तो भाई स्टेशनरी होती बाई डिफॉल्ट इसका आंसर स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। ये हमारे लॉजिक ने कहा, जो हमारा दिमाग है उसने ये कहा है कि भैया स्टेशनरी है यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। बट अदर ऑप्शन क्यों नहीं है भाई? मेरा काम क्या है डायरेक्ट? ये काम तो है नहीं कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन समझा दूं और ये हो गया आंसर कि ठीक है चलो ये स्टेशनरी था तो बायोलॉजिकल स्टैटिक ठीक हो गया। ठीक है, समझना भी तो पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट आर स्टेशनरी। तो यहाँ पर इसने हमें एक आइडिया दिया कि फ्रिक्शन जो लगता होगा डेफिनेटली वो दो तरीके से लगता होगा। क्वेश्चन ने खुद ने आइडिया दिया, एक कौन सा लगता होगा भाई? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे लगता होगा। मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या कहेंगे? ऐसे ऑब्जेक्ट जिस पे टोटल समेशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है? जीरो होता है, साथ में समेशन ऑफ मोमेंट भी क्या होगा? जीरो होगा। दैट इज जो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। किसके अंदर है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर। अब मेरी आदत है ये टेढ़ा लिखने की, मुझे पता है आप लोगों को परेशानी हो रही होगी, मैं अभी सीधा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज जो आपकी किसमें है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी कि रेस्ट के अंदर है, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि भाई ऐसा फ्रिक्शन जो स्टैटिक बॉडी पे लगता हो तो क्या कहलाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? देखो, मान लिया जाए ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, चलो इधर बना देते हैं। मान लिया जाए ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये आपकी कोई बॉडी थी, ठीक है, और इस बॉडी का कोई एक मास है, मान लो मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल है, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एफ। अब देखो दोस्तों, ये फोर्स क्या करेगा?
जस्ट इमेजिन ये वो बॉडी है, ठीक है। अब ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स चाहेगा कि मेरी बॉडी जो है वो आगे की तरफ खिसके, यही चाहेगा ना फोर्स। बट अगर ये बॉडी किसी एक सरफेस पे रखी हुई है कुछ इस तरीके से, तो सरफेस क्या दिखाएगा, रेजिस्टेंस दिखाएगा। सरफेस क्या दिखाएगा, एक रेजिस्टेंस दिखाएगा। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन कहता हूँ, तो अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा जो ये सरफेस है, मेरा जो ये हैंड है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहा है। यानी कि मैंने फोर्स लगाया कुछ इस तरीके से, अब जो मेरा बैकवर्ड फोर्स लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, यहाँ नीचे सरफेस से लग रहा है और यहाँ पे पीछे लग रहा है, ठीक है। अभी जो बैकवर्ड जो मेरा एक रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, दिस रेजिस्टेंस फोर्स इज एक्चुअली कॉल्ड एज फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है आपका फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स हम लोगों का एक मिस कॉन्सेप्ट है, हम लोगों के अंदर एक डिफेक्ट है, हम सोचते हैं कि अगर हम कभी चल रहे हैं, मतलब हम ये सोचते हैं कि यदि कोई बॉडी मोशन में है तभी ऐसा होगा कि उसके ऊपर फ्रिक्शन काम कर, बट नहीं। अगर बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, दोनों में से किसी भी कंडीशन में, तो फ्रिक्शन दोनों ही कंडीशन पे अप्लाई होता है। फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन एक रेजिस्टेंस फोर्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो अच्छा, जो स्टैटिक बॉडी पे लग रहा है, यानी कि जो रेस्ट वाली बॉडी पे लग रहा है दोस्तों, उसे हमने क्या कह दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन कह दिया। और जब बॉडी मोशन के अंदर हो, उस पर जो लग रहा है उसको बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है दोस्तों, काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को ये वाला एग्जाम्पल समझा रहा था कि भाई यहाँ पे मैं फोर्स लगाता जा रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी तरफ से सरफेस एक रेजिस्टेंस दे रहा है जिसको हमने फ्रिक्शन फोर्स का नाम दे दिया, पर ये कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है, यह है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब क्या ऐसा होगा बॉडी कभी मोशन के अंदर आएगी नहीं, ना 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 ना, ऐसा तो होगा नहीं भाई। जब तक एक्सटर्नल फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं अप्लाइड फोर्स बोलूँ या एक्सटर्नल फोर्स बोलूँ जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये फ्रिक्शन फोर्स को एक्सीड नहीं कर ले। क्या नहीं कर ले, फ्रिक्शन फोर्स को एक्सीड नहीं कर ले। एक सेकेंड, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, रुकिए ज़रा, इरेज ऑल, ओके। हाँ, मैंने क्या बोला कि जब तक हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या ना करे, एक्सीड ना कर ले किसको, फ्रिक्शन फोर्स को, तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। और जैसे ही एक्सीड कर लेगा, मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे ये आपकी बॉडी थी, अब इस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहा, फोर्स लगाया आपने मान लिया 0.9 न्यूटन का, और रेजिस्टेंस मिला कितने का, 0.9 न्यूटन का, तो बॉडी किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, रेस्ट के अंदर है। अब आपने मान लिया फोर्स लगा दिया 1 न्यूटन का, और अभी भी रेजिस्टेंस जो मिल रहा है 0.9 न्यूटन का मिल रहा है, तो अब बॉडी क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट करेगी। तो जब भी हम, आपने देखा होगा ना, जब हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कर्व बनाते हैं सिंपल, तो किस तरह से बनाते हैं भैया, ये इस तरह से, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से ये चल रहा है, फिर एक साथ कम होता है, फिर बढ़ता है, ठीक है, बनाते नहीं बनाते, फिर एक कॉन्स्टेंट हो जाता है भाई, जिसके एक को बुलाता है कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस, एंड एक को बुला जाता है कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू के। समझ पा रहे हो, ऐसा तो नहीं कि मैं पहले क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही बता रहा हूँ आप लोगों को, आप बोलो सर एक सेकेंड का क्वेश्चन है, इतना तो टाइम ही नहीं देता मैं SSC, मैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि जितना टाइम मैं आपको दूंगा उतना ही कम टाइम आप लगाओगे कहाँ पे, एग्जाम के अंदर, और जितना कम टाइम मैं यहाँ पे आपको दूंगा उतना ही ज़्यादा टाइम आप लगाओगे एग्जाम के अंदर। भाई मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके चारों जो ऑप्शन है ये क्लियर कर दूँ, अगर ये चारों के चारों ऑप्शन क्लियर हो गए दोस्तों, तो एग्जाम के अंदर देखते ही आप क्या बोलोगे, भैया स्टैटिक फ्रिक्शन आपका आंसर आ गया, और चारों ऑप्शन क्लियर नहीं हुए, हालांकि इसको तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है ना। चारों ऑप्शन अगर और किसी क्वेश्चन के अंदर क्लियर नहीं होते हैं, तो आप कन्फ्यूजन आपका थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, ये आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ऐसा फ्रिक्शन जो बॉडी रेस्ट पे होती है तब उसके ऊपर वर्क कर रहा होता है, उसको कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भैया, आपका ए करेक्ट हो गया, ठीक है, डन है। तो चलिए, ये क्वेश्चन देखते होने वाला क्वेश्चन है, मतलब मान के चलो मैक्सिमम 10 सेकेंड का क्वेश्चन है ये पढ़ने के साथ, ठीक है। अब देखो, पहला ऑप्शन दे रखा था स्टैटिक, क्या दे रखा था पहला ऑप्शन स्टैटिक, दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, सर अभी अभी तो आपने बोला कि एक काइनेटिक फ्रिक्शन है
और एक स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ से आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन तो हम लोगों को दिख रहा है, अब ये रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ से आ गया। देखो दोस्तों, मान लिया कोई एक व्हील है, क्या है व्हील है, और वो क्या कर रहा है भैया, सरफेस पे मोशन कर रहा है। तो अब जो फ्रिक्शन हो रहा है ना, वो क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। समझ रहे हो ना बात को, ये क्या है, नॉर्मल सी सरफेस की प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जो फ्रिक्शन हो रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है। ऐसी थर्ड ऑप्शन काइनेटिक फ्रिक्शन आपको समझा दिया। अब जो फोर्थ ऑप्शन है डी, इससे रिलेटेड मेरे पास काफ़ी डाउट आते हैं कि सर व्हाट इज डायनेमिक फ्रिक्शन, सर व्हाट इज डायनेमिक फ्रिक्शन। तो दोस्तों, डायनेमिक फ्रिक्शन इज नथिंग बट काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम क्या है, डायनेमिक फ्रिक्शन है, कोई अलग से कोई टर्म नहीं है। ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर डालता है। अगर कंफ्यूज आप तब होते जब यहाँ पे स्टेशनरी की जगह क्या दिया हुआ होता, मूविंग बॉडी दिया होता। क्या होता, द फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन मोशन इज कॉल्ड एज, तब आप बोलते हो सर काइनेटिक लिखूँ और डायनेमिक लिखूँ, और ऐसी कंडीशन में आप काइनेटिक ही लिख के आते हैं। क्या लिख के आते, काइनेटिक ही लिख के आते, बिकॉज वो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है और एकदम करेक्ट आंसर है। वैसे ऐसा कभी होगा नहीं कि वो दोनों ऑप्शन एक साथ दे दे करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पहला किसका था, मैकेनिक्स का था। ओके ना, अगला क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन से ही है ये क्वेश्चन, इतना हमें समझ में आ गया। किसका भैया, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोला, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच कैन स्लाइड ऑन ए फिक्स सरफेस। भाई ये पूछ रहा है कि मान लिया एक बॉडी है आपके पास, ये एक बॉडी है, ठीक है, और अब यहाँ पे मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर क्या आ गया, मोशन आ गया, और ये बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। अब जब ये बॉडी मूव कर रही है वो भी किसी सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा, डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ काम करेगा, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आपको दे दिया, ठीक है। तो भाई डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच कैन स्लाइड ऑन ए फिक्स सरफेस, तो ये बॉडी जब एक सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी। अगर ऐसा होता, मान लिया जाए यही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, और कुछ इस तरह से होता कि भैया ये बॉडी है और अब नाव में फोर्स यहाँ से लगा रहा हूँ और ये बॉडी जो मोशन कर रही है कहाँ पर कर रही है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ठीक है ना, यानी कि माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है मेरे दोस्तों, ऐसी कंडीशन के अंदर फ्रिक्शन लगता जस्ट अपोजिट। तो आपको क्या देखना है कि जिस भी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी या मोशन करेगी, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, हमेशा उसके अपोजिट लगेगा। क्या लगेगा, उसके अपोजिट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि बहुत लॉजिकल से क्वेश्चन है। नाउ आप बोलोगे सर इसमें क्या लॉजिकल था, लॉजिकल इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी दोस्तों डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स के साथ में लिखा हुआ था बॉडी विच कैन स्लाइड ऑन ए फिक्स सरफेस। क्या लिख रखा था भाई, इसने लिख रखा था बॉडी विच कैन स्लाइड, देखो ये स्लाइड लिख रखा है। अगर ये स्लाइड ना देके ये दे देता आपको रोल या रोलिंग फ्रिक्शन का केस दे देता कि एक बॉडी है या एक कार है, क्या बोल देता आपको कि एक कार है या एक कोई कार्ट है, ठेला है, ठीक है, नाउ वो मूव कर रहा है एक फिक्स सरफेस पे। तो भाई सीधी सी बात है, स्लाइड हो रहा था तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का केस था, रोल कर रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन का केस है। तो ऐसी कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी क्या वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, हाँ या ना। भाई आप में से बताइए जो भी वीडियो देख रहा है, अभी कम देख रहे होगे, आने वाले टाइम पे डेफिनेटली देखोगे, मुझे यकीन जैसे थोड़ा सा टाइम बीतेगा आप डेफिनेटली देखने वाले हो। तो भाई इतना बताओ मुझे कि जो बॉडी है, सॉरी जो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आपका लगेगा, पीछे या आगे। भाई जैसे रोलिंग फ्रिक्शन का केस आता है ना, तो हम डायरेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये बात फैक्ट है, ठीक है। क्योंकि मैंने एक थ्योरी भी सुनी है, वो थ्योरी ये बोलती है कि मान लिया जाए ये एक व्हील है और उस व्हील पे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है जिसमें से मैं नाम दे देता हूँ, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी,
नाउ ये एक सरफेस पे क्या कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोल कर रही है, स्पिन कर रही है, घूम रही है, आगे जा रही है, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए पैन है, ठीक है, अगर आप इस तरह से देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक व्हील की तरह। तो नाउ ये इस तरह से आगे मूव करे जा रहे हैं, इज दैट क्लियर। तो अब मैं जब देखता हूँ भाई पूरी एक बॉडी व्हीकल के अगर अकॉर्डिंग देखूंगा, तो मैं बोलूँगा कि सर अभी अभी आपने बताया है कि डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो होगी वो क्या होगी, हमेशा अपोजिट टू द मोशन होगी। बट मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का केस, ठीक है। अगर मैं एक बात करता हूँ कि पूरा व्हीकल है, ये व्हीकल अब रोल नहीं कर रहा, ये घूम नहीं रहा, स्पिन नहीं हो रहा, इसके पहिए स्पिन नहीं हो रहे, ये सिर्फ खिसड़ रहे हैं, एक तरह से स्लाइड हो रहे हैं, देन डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे, पीछे लग रहा है, ठीक है। अब तीन केस आते हैं, पहला केस तो ये हो गया। दूसरे केस के अंदर हम देखते हैं कि भाई हम फ्रंट व्हील ड्राइव ले रहे हैं या रियर व्हील ड्राइव ले रहे हैं। मान लिया कि मैंने रियर व्हील पे क्या कर दिया, फ्रिक्शन को जीरो कर दिया, ठीक है। तो अब रियर व्हील पे जीरो कर दिया, सिर्फ फ्रंट पे बचा, तो क्या होगा, फ्रंट स्पिन करता रहेगा, आगे की तरफ घूमेगा, पूरे व्हीकल को खींचने का काम करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो जाएगी। फिर मैं अगर ये बात करूँ कि भाई पीछे वाले व्हील को, आगे वाले व्हील को मैंने फ्रिक्शन लेस कर दिया और पीछे वाला जो व्हील है उसके ऊपर मैंने फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ पीछे वाला जो व्हील होगा वो व्हीकल को आगे धकेलने का काम करेगा। तो ऐसे जैसे ही रोलिंग फ्रिक्शन के क्राइटेरिया के अंदर हम आ जाते हैं ना बच्चों, तो तीन अलग अलग केस बन जाते हैं। और वो तीनों केस भाई मैं सोच रहा हूँ कि फ्रिक्शन की एक अलग से क्लास लूँगा, थ्योरी क्लास, और उसके अंदर ये स्पेशल टॉपिक रखूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है बच्चों में, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स के अंदर, इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करूँगा। तो अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़े लंबे खिंच जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों, बट डेफिनेटली फ्रिक्शन की क्लास के अंदर उसको कवर करूँगा और आपका ये कन्फ्यूज़न मैं दूर करूँगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये भी फ्रिक्शन से मैंने ही डाला है, सरप्राइज नहीं होंगे, वरना मैं सरप्राइज होकर बताता, अरे वाह ये भी फ्रिक्शन से, अगर प्रीवियस ईयर कोई पेपर करवाऊंगा तो, ठीक है ना। तो नाउ थर्ड क्वेश्चन बोलता है, अ बॉडी ऑफ वेट W इज प्लेस्ड, भाई एक बॉडी है जिसका वेट क्या है, W दे रखा है, इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, किस पे दे रखी है, एक रफ इंक्लाइंड प्लेन। जैसे इंक्लाइंड आता है आपको क्या करना है, भैया देखो ये आपका एक प्लेन है, नॉर्मल प्लेन, एकदम नॉर्मल इन द सेंस 90 डिग्री वाला नॉर्मल, ही नॉर्मल इन द सेंस कि भाई जो नॉर्मली होती है चीज़ें, ठीक है, नॉर्मल है, यहाँ पे क्या 0 डिग्री है आपका एंगल। जैसे इंक्लाइंड बोलूँगा यानी कि सरफेस से एक ये इंक्लिनेशन एंगल बना रहा है, एक स्लोप पर, एक ढाल है। अब क्वेश्चन बोलता है कि ढाल पर ये एक ब्लॉक है W वेट का, वेट बोला है, ध्यान रखना मास नहीं बोला, तो वेट है, तो क्या होता है, वेट इज इक्वल्स टू mg होता है बच्चों, क्या होता है, वेट इक्वल्स टू mg होता है। तो यहाँ पे g क्या है, ऑलरेडी कंबाइंड है साथ में, अगर मास पूछा जाए तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय g करो, जी से जी क्रॉस हो जाएगा, दैट इज मास, ओके। नाउ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज लेस देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्वेश्चन ने खुद आंसर दे दिया, क्वेश्चन ने खुद आंसर दे दिया। देखो जो ये सेकेंड स्टेटमेंट है, पढ़ो जरा इसका कहाँ गया, हाँ ये रहा, द इंक्लिनेशन कहा गया, यहाँ ये रहा, ये पॉइंटर नहीं दिखता, बहुत छोटा है, द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, वॉट इज इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा, क्या है, थीटा, जो मैंने आपको ये बताया, दिस इज थीटा, इज लेस देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, किससे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लेट अस अज्यूम दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज फाई, ठीक है। सो वैन थीटा इज लेस देन फाई, याद रखना ये कंडीशन, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों को कंफ्यूजन एक ही होता है कि सर व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। तो दोस्तों एंगल ऑफ फ्रिक्शन विच इज डिनोटेड एज फाई इज नथिंग बट ए टर्म विच स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, क्या है, रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल है। व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स, जैसे कि एक काम करता हूं इसको जरा हटाता हूं, नाउ देखो मानो कि मेरे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस पे भाई फिक्स सरफेस है, ये जो अपन नीचे लाइन बनाते हैं इसका मतलब है फिक्स्ड, ठीक है ना।
अगर कोई मूविंग सरफेस आपको दिखाना होता है ना, जैसे कन्वेयर बेल्ट दिखानी है, तो आप इस तरह की हैशिंग नहीं करेंगे। इनको क्या बोला जाता है, ये डिज़ाइन की टर्म है, हैशिंग लाइन बोला जाता है इनको, इसको हैचिंग भी पढ़ते हैं बच्चे, बट इट इज़ हैशिंग लाइन। ओके, मान लिया इसका मास क्या है, एम, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। अब मान लिया मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया एफ, ओके, सीधी सी बात है, जब मैंने यहाँ पे एफ फोर्स लगाया तो एक फ्रिक्शन, चलो दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ मैं, मैं कर लेता हूँ मान लो नीला कलर यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, एक दूसरा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। और जैसे ही सरफेस पे हम किसी भी चीज़ को रखते हैं तो उसके रखने की वजह से क्या होता है, एक नॉर्मल रिएक्शन आती है भाई। एक्चुअली में देखा जाए तो रिएक्शन आती है, क्या आता है, अब ये पेन टैब है ना, ये थोड़ा सा अभी मेरे हाथ पे बैठा नहीं, हम बोर्ड पे पढ़ाने वाले हैं, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करो एक या दो क्लास में, फिर आपको इस पर ड्राइंग बना के दिखा दूंगा, बढ़िया, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना बच्चों, ठीक है, दो या तीन क्लास के बाद आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब हर किसी पर रिएक्शन फोर्स आती है, अब रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये वो रिएक्शन फोर्स है जो हमेशा सरफेस के नॉर्मली आएगा। नॉर्मल कहने का मतलब क्या, 90 डिग्री पर आएगा। कितने पर आएगा, 90 डिग्री। अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन ले लूँ, जैसे कि ये मैंने इंक्लाइंड प्लेन ले लिया और यहाँ पे मैंने एक ये वेट रख दिया, अब इसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ जाएगा, इस सरफेस के नॉर्मली, इस सरफेस से 90 डिग्री बनाएगा, समझ रहे हो ना। और ये क्या था, एक आपका इंक्लाइंड प्लेन था, दैट इज़ वाई इसका नाम क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है इसका नाम, ठीक है दोस्तों। तो भाई ये जो नॉर्मल रिएक्शन हमारा लगा, ठीक है, ये जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगा, और नॉर्मल रिएक्शन के साथ क्या लगा, फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों का एक रिजल्टेंट आता है बीच में, ये क्या है आपका रिजल्टेंट, दैट इज एफ आर, ठीक है। अब इस रिजल्टेंट फोर्स और इस नॉर्मल रिएक्शन के जो बीच का एंगल है ना, दिस एंगल इज कॉल्ड एज फाई और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या कहलाता है भाई। बहुत गंदी ड्राइंग बन रही है, मैं खुद जानता हूँ, मुझे माफ़ करना दोस्तों, एक दो क्लास के लिए आप एडजस्ट कर लो, उसके बाद मैं आपको बढ़िया बढ़िया ड्राइंग बना के यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। मुझे खुद को फील हो रहा है कि भैया कुछ ज़्यादा ही गंदी आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग बना दी है। तो अगेन मैं आ जाता हूँ रेड कलर पे, ठीक है, चलिए रेड कलर क्या, इसका पॉइंटर शो हो जाएगा, तो समझ में आ गया। तो कंडीशन क्या बोलती है कि भैया जब इंक्लिनेशन एंगल जो होगा वो जब भी लेस देन होगा फ्रिक्शन एंगल से, तो बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी। और जैसे ही आपका थीटा बढ़ जाएगा किससे, फाई से, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, बॉडी कहाँ पे चली जाएगी, मोशन के अंदर चली जाएगी। सो बॉडी का ऑप्शन जो आपका बी है, मतलब जो ये आपको कहा गया, ये बी ऑप्शन है, और जो सी ऑप्शन, ये कब ठीक हो सकते थे, जब यहाँ पे लिखा होता द इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो बी या सी, ये हम कंडीशन से देखते, दोनों में से कोई एक ठीक हो जाता। बट नाउ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद हॉरिजॉन्टल इज लेस देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सो द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, ए इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगले चलते हैं, आधा घंटा लगभग हो गया होगा मेरे हिसाब से, शायद ज़्यादा हो गया, नहीं नहीं कम ही हुआ। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर सारे मैकेनिक्स ही करा लो, न्यूमेरिकल में मज़ा आएगा करने में भाई, एक एक सेट के अंदर जैसे मैंने 4-5 क्वेश्चन अभी मैकेनिक्स दे दिए, अगले सेट में एफएम को दे दूंगा, थर्मो को दे दूंगा, प्रोडक्शन के दे दूंगा, प्रोडक्शन वाले तो आप लोग देखोगे नहीं, प्रोडक्शन में सब मास्टर समझते हैं अपने आप को, मैं जानता हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, अ बॉल, ये बॉल है भैया, इस बॉल को वर्टिकली ड्रॉप कर दिया गया, मतलब ऊपर से छोड़ दिया गया, जब छोड़ दिया तो ये क्या है, नीचे, अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, इट हिट द फ्लोर विद अ वेलोसिटी, बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने वेलोसिटी दे दी 9 मीटर पर सेकेंड, अगर हाइट दे देते तो भी मैं वेलोसिटी निकाल सकता था, ठीक है। एंड बाउंसेस टू ए डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर, मतलब ये बॉल जो है यहाँ पे हिट करती है, हिट करने के बाद ये वापस ऊपर जाती है, कितनी डिस्टेंस तक, 1.2 मीटर की डिस्टेंस तक ये वापस ऊपर जाती है। देखा होगा ना, जब भी हम बॉल जमीन पे मारते हैं तो वापस ऊपर आती है, ठीक है, वही केस इसने दे रखा है। नाउ ही इज आस्किंग कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या पूछ रहा है भाई, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज डिनोटेड एज एप्सिलन, एप्सिलन पूछ रहा है। तो भाई आपको अगर कभी भी कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर बताना हो तो कैसे बताओगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ई जो होगा वो होगा वेलोसिटी आफ्टर रिबॉन्ड डिवाइडेड बाई, भाई राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, वेलोसिटी
बिफोर रिबॉन्ड। सर व्हाट इज रिबॉन्ड? ये जो आपने नाम लिया, ये जो फॉर्मूला बताया आपने, हमें देखने में बड़ा प्यारा लगा, बड़ा अच्छा लगा हमें ये फॉर्मूला। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि सर रिबॉन्ड क्या होता है? देखो मैंने आप लोगों को बताया कि बॉल जो होती है नीचे गिरी है, क्या बताया कि बॉल नीचे गिरी है, तो अब नीचे गिरने के बाद क्या हुआ, ये टकराई, जो टकरा रही ना इसको रिबॉन्ड, कॉलिजन भी लिख सकते हो, वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन डिवाइड बाय वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन। अब ये बॉल नीचे टकराई जमीन से, फ्लोर से टकरा के फिर ऊपर जाती, तो टकराने से जस्ट पहले किस वेलोसिटी से टकराई, डिवाइड बाय, ठीक है सॉरी टकराने के बाद सॉरी वेलोसिटी बिफोर रिबॉन्ड क्या है कि भाई टकराने से जस्ट पहले क्या उसकी वेलोसिटी थी, है ना, और वेलोसिटी आफ्टर रिबॉन्ड क्या है कि भाई टकराने से, टकराने के बाद टकरा गई वापस ऊपर उछल गई 1.2 मीटर ऊपर गई ना, तब किस वेलोसिटी से गई, तो किस वेलोसिटी से ऊपर गई डिवाइड बाय किस वेलोसिटी से नीचे आई थी। अगर मैं इन दोनों का एक रेशो निकाल देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाता है। तो आइए इसको फाइंड करें, कैसे फाइंड करें, फॉर्मूला मैंने बता दिया, ठीक है अब फॉर्मूला बता दिया तो अब आपको करना क्या, देखो दोस्तों आपको सिर्फ मेरी बात सुननी है, मेरे को आपको यहाँ दे रखी है हाइट 1.2 मीटर, कितनी दे रखी है बच्चों 1.2 मीटर हाइट दे रखी है। भैया आपको बताया वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं अंडर रूट 2 जी एच से, किससे निकालते हैं वापस लिख देता हूँ, अंडर रूट 2 जी एच से वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। तो भाई यहाँ पे आपके पास जी की वैल्यू है कितनी है 9.81 है, एच की वैल्यू है कितनी है 1.2 मीटर है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा अगर देखा जाए 2 तो है ही आपके पास, इसको कैलकुलेट करो, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या बताता है, वेलोसिटी बिफोर सॉरी वेलोसिटी आफ्टर रिबॉन्ड डिवाइड बाई वेलोसिटी बिफोर रिबॉन्ड, बिफोर हमें दे रखी है ऑलरेडी 9, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, आप कर लेना 0.54, एक्चुअली 0.5391 आंसर आएगा, क्या आएगा 0.5391 आंसर आएगा, हम क्या लिखेंगे इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.54 लिखेंगे, ठीक है। सो द आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अभी जीरो की भी बहुत एक इंटरेस्टिंग सी कंडीशन आती है जो हम डेफिनेटली आगे डिस्कस करेंगे, जीरो होने की बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन, ठीक है चलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया है, द डिले पीरियड इन ए पेट्रोल इंजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, फिर जो पेट्रोल इंजन के अंदर डिले पीरियड होता है, किसके अंदर पेट्रोल इंजन, हालांकि पेट्रोल इंजन एक नॉन टेक्निकल टर्म है, ये आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, हम तो क्या बोलते हैं भैया एसआई इंजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एसआई इंजन, यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन, क्या बोलेंगे स्पार्क। दूसरा क्या होता है सीआई इंजन, क्या बोलते हैं सीआई इंजन, सीआई इंजन क्या होता है आपका कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन जो होता है, यानी कि आपका जो डीजल इंजन होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये तो नॉन टेक्निकल टर्म होगी, ये अपनी टेक्निकल। तो नाउ अब ये बोल रहा है आपसे कि डिले पीरियड जो है पेट्रोल इंजन के अंदर कितनी देर का होता है, तो लिख लीजिए बेटा ये होता है 0.002 सेकंड का। क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज डिले पीरियड, देखो बच्चों जस्ट इमेजिन मेरे हाथों को देखो, ठीक है ना, ये आपका कोई एक सिलेंडर था, चलो बना देता हूँ, ये आपका कोई सिलेंडर था, ठीक है ना, अब दिस इज योर पिस्टन, ओके फ्यूल क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, आपका ऐसा इंजन है तो फ्यूल कैसे आ रहा है, इंजेक्टर के थ्रू आएगा, कार्बोरेटर के थ्रू आएगा, कार्बोरेटर के थ्रू आ रहा है, ठीक है। कार्बोरेटर क्या कर रहा है, एटोमाइजेशन कर रहा है, स्प्रे कर रहा है फ्यूल को, ठीक है। इंजन के अंदर क्या कर रहा है, फ्यूल को स्प्रे कर रहा है, और ऊपर आपका क्या लगा हुआ है भैया, एक स्पार्क प्लग लगा हुआ है, वो स्पार्क क्या कर रहा है, स्पार्क जनरेट कर रहा है। अब उस स्पार्क के जनरेट होने से वो स्पार्क फ्यूल के चार्ज तक पहुंचेगा, जो चार्ज है आपके पास, और देन वो इस पूरे के पूरे चार्ज को क्या कर देगा, जला देगा। जब वो जला देगा पूरे चार्ज को तभी ब्लास्ट होता है, ठीक है। पर ब्लास्ट से जस्ट पहले स्पार्क हुआ, ठीक है, स्पार्क होने के बाद फ्यूल जो चार्ज था आपका वो जलना स्टार्ट हुआ, या इसको हम ये भी बोल देते कि फ्यूल चार्ज हो रहा है, ठीक है, या तो चार्ज भी बोल सकते हो या बोल सकते हो फ्यूल इज चार्जिंग, यानी जल रहा है। तो जब फ्यूल आपका जलना स्टार्ट हो रहा है और जल जाएगा, नाउ ये जो टाइम होता है बीच का, ये जो गैप होता है, इसको कहा जाता है डिले पीरियड, कि भाई स्पार्क होने के बाद फ्यूल को बर्न होने में कितना टाइम लग गया, इसको कहा जाएगा क्या, डिले पीरियड इन पेट्रोल इंजन, ठीक है ना, समझ में आ गया। और जैसे ये सीआई इंजन डीजल इंजन के अंदर जाएगा
तो क्या बन जाएगा आपका, वो इग्निशन डिले बन जाएगा भाई। दोनों के अंदर जैसे आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नाम सुना होगा, क्या होता है, डिटोनेशन एंड नॉकिंग, सुना होगा ना, डिटोनेशन एंड नॉकिंग। तो दोस्तों डिटोनेशन नॉकिंग के अंदर किसी से पूछा था तो फर्क बताते, तो क्या बोलते हैं, डिटोनेशन ऐसे इंजन के अंदर है, नॉकिंग सी आई इंजन के अंदर है, इस तरह के वाई एस होते एक ही हैं दोनों। एक्चुअली में क्या होगा, आपको नॉक नॉक की आवाज आएगी, ऐसा कोई बेसिक डिफरेंस नहीं। तो वही चीज़ पेट्रोल इंजन के अंदर डिले पीरियड बोल दिया, और वही चीज़ सी आई इंजन के अंदर इग्निशन डिले बोल दिया। कितना होगा, 0.02 सेकंड, दैट इज 20 करेक्ट आंसर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन, भाई क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखो व्हाट इज आइसो ऑक्टेन या व्हाट इज ऑक्टेन नंबर भाई। अब नॉकिंग नाम की एक क्वांटिटी होती है, या नॉकिंग नाम की फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है कह सकते हो, एक या फिजिकल फिनोमिना है। क्या होता है भाई, इंजन कई बार आपने देखा होगा इस तरह की आवाज़ करता है, जैसे अंदर से भी नॉक कर रहा हो, यानी कि एक भयंकर ब्लास्ट की आवाज़ आपको सुनाई देने लग जाती है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, नॉकिंग कहा जाता है। बहुत सिंपल टर्म में समझाया, मैं बिल्कुल भी डीप के अंदर नहीं गया दोस्तों, बिल्कुल भी डीप के अंदर नहीं गया हूँ। ये मैं सोचिएगा कि मैं जानबूझ के नहीं गया हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जितनी रिक्वायरमेंट है वो बता रहा हूँ। तो अब ये नॉकिंग जो है ना, ये डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ फ्यूल पे। इसके लिए हम पढ़ते हैं रेटिंग ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स, ठीक है ना, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, आपका क्या हो गया, डीजल हो गया, ऐसे ही आपके और भी फ्यूल होते हैं जो आप सीएनजी वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है। तो आप जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल का होता है ऑक्टेन नंबर, क्या होता है, ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर से जितना ज़्यादा पेट्रोल का हाई ऑक्टेन नंबर होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, उसके अंदर एंटी नॉकिंग क्वालिटीज़ होंगी। क्या होगी, एंटी नॉकिंग क्वालिटी, यानी कि वो नॉकिंग नहीं करेगा, ठीक है ना। इसके लिए दो सब्सटेंस को मिलाया जाता है, ठीक है ना, एक तो होता है आपका आइसो ऑक्टेन, एक होता है अल्फा मेथिल हेप्टेन। क्या होता है, कहाँ गया, आइसो ऑक्टेन, अल्फा मेथिल हेप्टेन, इन दोनों को मिलाया जाता है, जिसमें जो आइसो ऑक्टेन है ये बहुत कम नॉक करता है, और बहुत कम क्या, जीरो नॉक करता है, सॉरी क्या करता है, जीरो नॉक करता है। और अल्फा मेथिल हेप्टेन जो है ये आपका बहुत ज़्यादा, बहुत रेडिली या बहुत रैपिडली भी नहीं, रेडिली बोलूँगा, बहुत ज़्यादा नॉक करता है। इसके अंदर क्या होती है, नॉक की आवाज़ कैसी आती है, सुनाऊँ, इस तरह की आवाज़ आती है नॉकिंग की, ठीक है। तो अल्फा मेथिल हेप्टेन क्या करेगा, बहुत रेडिली नॉक करेगा, और जो आइसो ऑक्टेन होगा वो क्या करेगा, जीरो नॉक करेगा। तो अब अगर कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो जीरो नॉक कर रहा है, यानी कि उसका ऑक्टेन नंबर क्या भैया, उसका ऑक्टेन नंबर हाई है, तो दैट इज वाई जो आइसो ऑक्टेन है उसका 100 होता है, ठीक है। और जो अल्फा मेथिल हेप्टेन होता है ये दैट इज जीरो होता है, इसका ऑक्टेन नंबर। अब इन दोनों की क्वांटिटी को मिलाया जाता है, मान लिया, कैसे टेस्टिंग होती है बताता हूँ। मेरे पास एक पेट्रोल का एक सैंपल आया, ठीक है ना, रिफाइनरी से मैंने पेट्रोल निकाला, गर्मा गर्म ताज़ा एकदम बढ़िया सा पेट्रोल निकाला मैंने। अब वो सैंपल आया, मुझे उसकी टेस्टिंग करनी है। अब मैंने उसको इंजन के अंदर भैया डाल के देखा, मुझे सुनाई दिया कि ये नॉकिंग कर रहा है, ठीक है ना। मुझे बताओ, अब मुझे देखना है कि ये किस टेंडेंसी से नॉक कर रहा है, ठीक है। उस टेंडेंसी को मैच करने के लिए क्या करूँगा, मैं एक कंटेनर के अंदर आइसो ऑक्टेन मिलाऊंगा, साथ में अल्फा मेथिल हेप्टेन मिलाऊंगा। दोनों मतलब आइसो ऑक्टेन रख दिया, अल्फा मेथिल हेप्टेन को मिलाता गया। जब मैंने देखा जो हमारा पेट्रोल का सैंपल था, और जो ये हम जो टेस्टिंग अपना सैंपल बना रहे हैं, इन दोनों की नॉकिंग फ्रिक्वेंसी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगा और रीडिंग नोट करूंगा। जैसे रीडिंग में आ गया 70, तो मैं बता दूंगा कि ये जो मेरा पेट्रोल था, इस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कितना है, 70, मतलब कि ये ज़्यादा प्योरीफाई नहीं है, लेस प्योरीफाई है, ठीक है ना। और इसी तरह एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर जो नॉर्मल पेट्रोल मिलता है वो किस क्वालिटी का मिलता है, तो उसका ऑक्टेन नंबर 70-80 वेरी करता है नॉर्मल पेट्रोल। और जब आप लेते हो स्पीड या एक्स्ट्रा प्रीमियम लेते हैं ना, इंडियन ऑयल वगैरह से वो अपने अपने निकालते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम। स्पीड कौन निकालता है, भारत पेट्रोलियम निकालता है। एक्स्ट्रा प्रीमियम कौन निकालता है, इंडियन ऑयल निकालता है। तो ये जो भी आपके पेट्रोल है ना, इनका ऑक्टेन नंबर कितना होता है, कहाँ गया भैया, इनका, हाँ यहाँ, इनका ऑक्टेन नंबर होता है 94-96 तक, इनका ऑक्टेन नंबर, ठीक है। जैसे पेट्रोल के अंदर ऑक्टेन नंबर है, वैसे ही डीजल के अंदर क्या होता है, आपका सी10 नंबर होता है। क्या होता है, डीजल के अंदर सी10। आप बोल रहे हो सर बहुत
आप इतनी जगह है फिर भी एक ही जगह पर लिख रहा है, ये पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर खो जाता है इस वजह से, ठीक है। तो C10 नंबर, ठीक है ना, C10 नंबर की भी यही कहानी है। तो अगर कोई पूछे कि इंडिया के अंदर जो डीजल आता है वो किस रेटिंग का आता है, तो भैया उसका C10 नंबर होता है 4250, ये मान के चलो। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ FM से आ गया। अच्छा, IC इंजन के दो क्वेश्चन हो गए, FM के चार हो गए, सॉरी FM के नहीं, EM के, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के चार हो गए, IC इंजन के दो हो गए, छह टोटल क्वेश्चन हो गए। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए पाइप फ्लो इज पैराबोलिक इफ द फ्लो इज, भाई वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दे रखा है, पैराबोलिक दे रखा है, ठीक है ना। इफ द फ्लो इज पैराबोलिक कब होगा, कौन से, क्या टर्बुलेंट फ्लो में, भाई पहला जो ऑप्शन है देखो कहाँ गया, हाँ ये पहला जो ऑप्शन है बोल रहा है यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए, ठीक है, बट साथ में टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जो भैया आपकी प्रोफाइल बनेगी वो कैसी बनेगी, लॉगरिथमिक बनेगी, कैसी बनेगी, लॉगरिथमिक बनेगी, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन तो आपका कभी भी सही हो ही नहीं सकता अगर पैराबोलिक दे रखा है, ठीक है, लॉगरिथमिक बनती है। दूसरा ऑप्शन बाद में बात करेंगे। तीसरा ऑप्शन नॉन यूनिफॉर्म, गलत हो गया, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं बन सकता। चौथा रोटेशनल कंप्रेसिबल, इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो ऑप्शन सेकंड ठीक है भैया, जब भी आपका फ्लो यूनिफॉर्म हो, ठीक है, और क्या हो, लेमिनार, ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब एक रेट से हो रहा है, मान के चलो एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जब मैं आपको फ्लूड पढ़ाऊंगा ना, फ्लूड मैकेनिक्स, तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज स्टडी फ्लो, व्हाट इज कंप्रेसिबल, ये नाम से पता पड़ते हैं। भाई स्टडी फ्लो का मतलब क्या है कि भैया भैया मानो, चलो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, ये फ्लूड था, दिस ये आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भैया एट 5 PM शाम के 5 बजे आप देखते हैं इस फ्लूड की वेलोसिटी कितनी है, 9 मीटर पर सेकेंड, बहुत तेज़ होगी पर मान लेते हैं, ठीक है। नाउ देन आप अगेन एट 6 PM देखते हैं, तो भी फ्लूड की वेलोसिटी आपको कितनी दिखाई देती है, 9 मीटर पर सेकेंड दिखती है। अब आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं मैं रात के 12 बजे देखूँगा, एट 12 AM देखेंगे तो भी आपको फ्लूड की वेलोसिटी कितनी दिखाई दी, 9 मीटर पर सेकेंड दिखाई दी। पानी जो बह रहा है ना, उस पानी की वेलोसिटी की बात करें, वो आपको 9 मीटर पर सेकेंड दिखाई दी, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि फ्लूड की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो अब अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो क्या है, वो स्टडी फ्लो है, और अगर टाइम के साथ चेंज हो जाती तो वो क्या हो जाता, नॉन स्टडी फ्लो हो जाता, ठीक है। इसी तरह यूनिफॉर्म फ्लो हम किसको कहेंगे, मान लिया जाए ये फ्लूड है, ये फ्लो हो रहा है, ये लोकेशन ए है, ये लोकेशन बी है, अब इस लोकेशन पे मान लिया वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है, और बी पर 5 मीटर पर सेकेंड है, बी लोकेशन पर भी कितने बजे, शाम को 6 बजे। जब मैं शाम को 7 बजे देखता हूँ तो ए लोकेशन पे जो वेलोसिटी है वो हो जाती है मेरी 6 मीटर पर सेकेंड, और बी लोकेशन पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने देखा कि टाइम डिफरेंट है, लोकेशन डिफरेंट है, ये टाइम 6 PM था और 7 PM था, ठीक है, पर दो डिफरेंट लोकेशन पे फ्लूड एक ही वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहा है, तो नाउ दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। और अगर दो डिफरेंट लोकेशन पे एक साथ, अब भाई देखो 6 बजे दो डिफरेंट लोकेशन पे एक जैसा फ्लो था, 7 बजे दो डिफरेंट लोकेशन पे एक जैसा फ्लो था, तो ये क्या यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। इसी तरह रोटेशन होता है भैया, अगर फ्लूड के जो पार्टिकल है, जो ये फ्लूड का पार्टिकल है, अगर ये अपने एक्सिस पर रोटेट करता हुआ चल रहा है तो रोटेशनल फ्लो है, और अगर रोटेट करता हुआ नहीं चल रहा, ऐसे ही ट्रांजिशन कर रहा है, तो वो नॉन रोटेशनल फ्लो हो जाता है, ठीक है। इसी तरह कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है बच्चों, कंप्रेसिबल भाई अगर जो है फ्लूड की डेंसिटी चेंज हो रही है तो वो कंप्रेसिबल है, अगर फ्लूड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है तो वो नॉन कंप्रेसिबल फ्लो है, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक आपका बनेगा वो कब बनेगा, फ्लूड का यूनिफॉर्म फ्लूड फ्लो का या पाइप फ्लो का यूनिफॉर्म होना जरूरी है और लेमिनार फ्लो होना जरूरी है। तो अब लेमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इन पर बाकायदा पूरी क्लास होगी, ठीक है। लेमिनार फ्लो आप समझते हैं ना कि एक वेलोसिटी से आपका फ्लो होता जा रहा है, जो आपके पार्टिकल है वो रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे जा रहे हैं, बढ़िया घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब साथ साथ चल रहे हैं, तो वो लेमिनार फ्लो, ठीक है। और जब पार्टिकल आपके रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन करते हैं तो वो बन जाता है आपका टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, और बाकी के ऑप्शन मैंने काट दिए थे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, ये क्वेश्चन 50-60 बार पूछा गया है, अगर बताऊँ CGL में GS का बना के पूछ देते हैं, JEE में FM का बना के पूछ देते हैं, गेट में FM का बना के पूछ देते हैं, ESC में पूछ देते हैं, RPSC में पूछ देते हैं,
ठीक है, आरबीएससी के अंदर, एमपीपीएससी के अंदर पूछ देते हैं भैया, हर एग्जाम वाले इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये तो क्या है, हमारे घर का क्वेश्चन है, इसको तो कहीं भी डाल दो, तो जनरल साइंस के क्राइटेरिया के अंदर आता है, क्योंकि है तो साइंस ही, इंजीनियरिंग भी क्या है, एक साइंस का ही ब्रांच है, तो आता तो जनरल साइंस के क्राइटेरिया के अंदर ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कहाँ कब मैक्सिमम होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम होती है, तो ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट है। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने मुंह तो खोल दिया कि डेंसिटी दैट इज रो इज मैक्सिमम पर कितनी होती है, तो ये होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जिसको हम वाटर की क्या मानते हैं, जनरल डेंसिटी मानते हैं। भैया आप सब मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, आप सब ने फ्लूइड पढ़ी है, तो भैया आपने देखा होगा, आप क्या मानते हो, जब भी वाटर की डेंसिटी लेनी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मानते हो। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या है, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, क्या है, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है ना, इस वजह से। ठीक है, तो वैसे अगर देखा जाए टेम्परेचर के साथ देखा जाए तो भाई 20 डिग्री पे अलग हो रही है, 0 डिग्री पे अलग होती है डेंसिटी, बट वेरिएशन 2 का 3 का इतना आता है जिससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट मैक्सिमम अगर देखा जाए तो कहाँ पे होगी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक एग्ज़ाम होता है SSC CGL, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने एक बहुत ही प्यारी सी बुक में पढ़ा था, जिसको हम सब पढ़ते हैं जनरल साइंस के लिए, आप समझ गए होंगे कौन सी बुक है, मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होने से क्या फ़ायदा हो जाता है। देखो दोस्तों, जब शीत प्रदेशों के अंदर, मतलब कि जो कोल्ड आपके जगह होती हैं, उन जगह पर जब टेम्परेचर आपका कम होता जाता है, 20, 10, 5 पहुँचा, 4 पे पहुँचती क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, तो ऊपर जो सरफेस है, ऊपर जो सरफेस है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम डेंसिटी का रहेगा। अब मान लो कि टेम्परेचर जो है आपका और लो जा रहा है, जब टेम्परेचर और लो जा रहा है तो क्या होगा, आइस बनना स्टार्ट हो जाएगी, बर्फ बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो बर्फ कहाँ बनेगी, सतह पे बर्फ बन जाएगी, और सतह के नीचे पानी रहेगा, सतह के नीचे वाला जो पानी है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, उसकी डेंसिटी हाई है, हाई डेंसिटी वाला हमेशा नीचे रहता है और लो डेंसिटी वाला ऊपर रहता है, ऐसा होता है ना, वस्तुएं तैरती क्यों है, इन्हीं वजह से तैरती हैं, बेयोंसी भी लगता है। ठीक है, तो हाई डेंसिटी जो फ्लूड है दैट इज वाटर, और जो लो डेंसिटी है वो है कि किसकी है, बर्फ की, तो बर्फ तो ऊपर सरफेस पे जम जाता है, और जो आपका फ्लूड है वो क्या होता है, नीचे रह जाता है, वाटर जो है वो नीचे रह जाता है, इससे मछलियाँ वगैरह आपस में तैरती रहती हैं, आपने मूवीज के अंदर देखा होगा ना, बर्फ कि एक सतह है उस पर भैया आपने धक्का मारा नीचे चले गए, नीचे पानी पानी, कभी आपने देखा होगा ना समुद्र पूरा जम गया, ना हो ही नहीं सकता, नीचे तक भी जम जाओ होता ही नहीं, तो एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, चलिए बाकी बाद में बात करेंगे FM के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट इज गिवन बाई, दे रखा है हम लोगों को, कैसे देता है भैया वो, U=y - y² ओके जी, नाउ ठीक है, अब क्या बोला, इन विच यू इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट ए डिस्टेंस वाई मीटर्स अबाउ द प्लेट, वॉट इज शियर स्ट्रेस वैल्यू एट वाई इक्वल्स टू 0.15 व्हेन द डायनेमिक विस्कोसिटी दैट इज यू इज म्यू इज 8.0 पॉइंट्स। ठीक है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी कितनी रखी, 8.0 पॉइंट्स रखी, आप सबसे पहले क्या करो, डायनेमिक विस्कोसिटी को किसके अंदर कन्वर्ट कर लो, पास्कल सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आपको पता होगा कि भैया जब भी मैं बात करता हूँ वन पॉइस की, तो वन पॉइस इक्वल्स टू कितना होता है, वन पॉइस की बात करूँ तो इट इज़ 1/10 पास्कल सेकंड। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे कितना दे रखा है, 8 पॉइस दे रखा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/10 पास्कल सेकंड, पास्कल सेकंड के अंदर लाना है, कन्वर्ट कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमने क्या कर दिया, हाँ हमने क्या कर दिया कि भैया आपकी जो डायनेमिक विस्कोसिटी थी उसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ दोस्तों हम क्या करेंगे कि भाई हम बोलेंगे कि सर शेयर स्ट्रेस हमको फाइंड करना है, तो शेयर स्ट्रेस टॉ इज इक्वल्स टू क्या होता है, μDU/dy। भाई यू की वैल्यू आपको दे रखी है, आप इसका डेरिवेटिव निकाल दो। अब ये कैसे आया, NSLV से, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से आता है ये। ठीक है, जो एक्चुअली में क्या बोलता है, टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d θ/dt, वेयर d θ/dt इज व्हाट, इज इन फ्लो,
ईज इन फ्लो यानी कि बहने में आसानी, ठीक है। नो ये डी थीटा अपॉन डी टी है, ये क्या हो जाता है आपका डी यू अपॉन डी टी, अभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं हटाया। नो दिस डी यू अपॉन डी टी इज वॉट वेलोसिटी ग्रेडियंट, अभी कैसे होता है फ्लूड के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा, बकायदा इसका डायग्राम बनाऊंगा, बताऊंगा कि भैया फोर्स लगा, शेयर स्ट्रेस आया, ये थीटा है, वो सब बताऊंगा, बाद की बातें बाद में कर लेंगे, ठीक है। जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, दैट इज म्यू, तो ये बन जाता है म्यू डी यू अपॉन डी टी, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, म्यू इज डायनेमिक विस्कोसिटी। सो डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, पास्कल सेकंड होती है, याद रखना। अब आप क्या करोगे, डी यू बाई डी टी निकालोगे, डी यू बाई डी टी किस तरह से निकालना है, वही वाई माइनस वाई उसका देगा, कर दो यार डिफरेंशिएशन, टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्या होगा, 1 - 2y हो जाएगा, वही डिफरेंशिएशन तो किया, डी यू बाई डी टी कर दिया मैंने। नाउ भाई मुझे दे रखा है एट वाई इक्वल्स टू किस पर लगाना है, 0.15 पर लगाना है, किस पर लगाना है, 0.15 पर लगाना है, तो भाई क्या हो जाएगा, 1 - 2 × 0.15 दैट इज 1 - 0.3 दैट इज 0.7। तो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी टी, कहाँ गया, डी यू अपॉन सॉरी डी यू अपॉन डी टी या डी यू अपॉन डी वाई, डी टी कर दिया मैंने, सॉरी इट इज़ योर डी वाई, सॉरी 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 माई मिस्टेक, वापस बता देता हूँ, ये डी थीटा अपॉन डी टी से मैं यहीं पे आ गया, दिस माई मिस्टेक, वापस बता देता हूँ भाई, वापस क्या बता रहा था मैं, टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, ओके। सो नाउ तभी तो मैं सोचो डिफरेंशिएशन भी हो गया, तो डी यू अपॉन डी वाई आपको फाइंड करना है, इट इज़ वाई माइनस वाई स्क्वायर, सो नाउ नाउ डिफरेंशिएशन 1 - 2y, और वैल्यू पुट करोगे जब वाई इक्वल्स टू 0.15 की, तो कितनी आ जाएगी, 0.7 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे पुट करो शेयर स्ट्रेस यानी कि टॉप को फाइंड करना है, वो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई दैट इज 0.7। अब आपको यहाँ पे दे ही रखा है, कितना दे रखा है, 8 पॉइंट, 8 पॉइंट क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 होगा या 0.18 होगा, बताओ क्या होगा, क्या होगा, बताओ बताओ भाई, करना क्या है आपको भाई, अगर आप वैसे देखोगे तो 5.6 पॉइंट आएगा आंसर, ठीक है। अगर आप पॉइंट के अंदर निकाल, एक काम करो एक बार आप पॉइंट के अंदर निकालो, क्या करो पॉइंट के अंदर निकालो, तो पॉइंट के अंदर जो आपका आंसर आने वाला है वो आने वाला है 5.6। यहाँ क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ी हो गई है, जो एक्चुअल ऑप्शन दे रखा है ना आपको, सी 0.66 ये दे रखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 0.56 ये एक्चुअल आंसर है इसका, नॉर्मल कैलकुलेशन है, 5.6 आंसर में आएगा, इसको आपको क्या करना, कन्वर्ट करोगे 10 से डिवाइड करोगे 0.56 आ जाएगा, 10 से डिवाइड ही तो करना और क्या करना, कुछ नहीं करना, ये भी बताने की जरूरत तो नहीं है ना, इतना तो मैं जानता हूँ। जो मिस्टेक थी वो मैं डी ओ पॉइंट डी टी बोल रहा था, बट इट इज डी ओ पॉइंट डी वाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास सरफेस, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी इज ड्यू टू, मरकरी ग्लास सरफेस को क्या नहीं करता, गीला नहीं करता, और ऐसा क्यों होता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से होता है, तो ये होता है भैया आपकी सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कोहेजन के अंदर, ठीक है ना, कोहेजन की वजह से सरफेस टेंशन होता है डेफिनेटली, और उसी की वजह से क्या नहीं होता भैया मरकरी, क्या नहीं भैया, जो मरकरी है ना उसके अंदर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, तो नॉन वेटिंग रीजन बनता है। देखो अगर आप जैसे मान लो ये एक स्लाइड है आपकी, अगर आप इसमें पानी फैलाओगे ना तो पानी इस तरह से बूंद बन के करता है, जब आप मरकरी फैलाओगे तो मरकरी रहता है भैया आपका कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना आपका, कॉन्टेक्ट एंगल जो बन रहा होता है वो ऑब्ट्यूज बनता है, एक्यूट नहीं बनता, अधिक कोण बनता है, न्यून कोण नहीं बनता, ठीक है ना। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मरकरी यानी एच जी के अंदर जो कोहेसिव प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। कोहेसिव प्रॉपर्टी हाई होने की वजह से ये क्या हो गया, इस तरह आपकी इसने फॉर्मेशन ले ली, और इस तरह की जो ये फॉर्मेशन ली वो क्यों लिए, एक प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन जो बेस्ड होती है कोहेजन पे, किस पे बेस्ड होती है, कोहेजन पे, ठीक है। कोहेजन का मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब पता है भाई, अट्रैक्शन बिटवीन सेम पार्टिकल, अट्रैक्शन बिटवीन सेम पार्टिकल इज कॉल्ड एज कोहेजन, एंड अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल इज कॉल्ड एज एडिशन। जैसे आपने एड सुना होगा फेविकॉल का, फेविकॉल भी क्या लिखा होता है, अ ग्रेट एडहेसिव, क्या लिखा होता है, अ ग्रेट एडहेसिव। तो एडहेसिव का मतलब क्या है कि भैया फेविकॉल क्या करेगा, दो डिफरेंट टाइप के जो सरफेस है उनको जोड़ देगा, ठीक है। और जो कोहेजन होता है वो क्या, जैसे वाटर है, वही इस तरह से वाटर है,
भाई वाटर अपने मॉलिक्यूल को चारों तरफ से खींचता है, ठीक है ना। इस तरह से जो वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में क्या लगता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। क्या लगता है दोस्तों, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, ठीक है। सो नाउ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, और इस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के जैसे क्या बनता है आपका, सरफेस टेंशन बनता है, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के जैसे क्या होता है, सरफेस टेंशन। देखो किस तरह से समझा देता हूँ, चलो 1 मिनट की बात है। आप बोलोगे सर घास काट के चले गए, माना कि वीडियो 1 घंटे का हो गया होगा, 1 घंटे का तो नहीं होगा, मुझे टाइम नहीं दिख रहा एक्चुअली, मैंने वॉच नहीं लगाई है, ठीक है। जैसे कि भैया ये मान लिया जाए ये आपका कंटेनर था जिसमें वाटर भरा हुआ था, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इधर है, इधर है, इधर है। तो भैया अभी क्या कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मान लिया आप किसी एक गांव में गए और उस गांव में आपके बहुत सारे रिश्तेदार थे, ठीक है, बहुत सारे रिलेटिव थे। अब जैसे आप उस गांव में गए तो पहले एक रिलेटिव ए था, एक रिलेटिव बी था, एक सी था, एक डी था। इन्होंने बोला कि अरे मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। तो आपने क्या बोला, मैं किसी घर नहीं जाऊँगा, मैं एक जगह बैठा रहूँगा। तो वही हाल इस मॉलिक्यूल की हुई, आसपास के सारे सारे मॉलिक्यूल इसको खींचते गए खींचते गए। तो इसने क्या बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं एक जगह बैठा रहूँगा। तो ये अपनी एक जगह पर सिचुएटेड रहा, बट जो सरफेस के मॉलिक्यूल थे ना उसके ऊपर जगह खाली थी, उसके ऊपर क्या था, एयर था, उसके ऊपर क्या था, एयर था, ठीक है ना। नीचे क्या था, नीचे क्या था, वाटर ही था या मरकरी था, कुछ भी मान लीजिए। तो अब क्या हुआ, जो नीचे वाले जो फोर्स थे ना, नीचे वाले जो मॉलिक्यूल थे, उन्होंने डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाया, और एक फोर्स लग गया एफ नेट डाउनवर्ड, जिसकी वजह से सरफेस हमको कैसा दिखाई दिया, झुका हुआ दिखाई दिया। उसको कह दिया हमने क्या, सरफेस टेंशन कह दिया दोस्तों। क्या कह दिया दोस्तों, सरफेस टेंशन कह दिया। और मरकरी के अंदर क्या होता है, ये सरफेस टेंशन कुछ इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। और इसीलिए मरकरी कभी भी ग्लास सरफेस को क्या नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा, एक नॉन वेटिंग रीजन बनाएगा। और बाकी जो फ्लूड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन कोहिजन एडिशन के अंदर मैं आपको ढंग से एंगल बना के समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी सरफेस टेंशन इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारे रीजन दे दिए। विस्कोसिटी क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बिटवीन फ्लूड लेयर, जो फ्रिक्शन जनरल के अंदर है वो, और फ्रिक्शन फ्लूड के अंदर क्या बन जाता है, विस्कोसिटी बन जाता है, इतना समझ लो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। हालांकि मुझे 15 मिनट का कहा गया था और मैंने काफ़ी लंबा वीडियो खींच दिया है कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में, पर दोस्तों फिर भी कहूँगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बताएं कि सर देखिए भाइयों देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए हैं, टेस्ट सीरीज आने वाली है, और इसके अलावा वीडियो सॉल्यूशंस आने वाले हैं, अगर कोर्स भी लॉन्च होने वाला है, तो बस बिल्कुल कमर कस लो, पढ़ना है और इस बार पेपर निकालना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, कंप्लीट एजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।